मैंने बाउल में 200 ग्राम काजू लिया है, ये होल काजू है। अगर आपको होल नहीं मिलेगा तो आप यहाँ टुकड़ा काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अब हम मिक्सर में डाल के इसका एक बारीक पाउडर कर लेंगे। पाउडर करने के लिए आप इसे मिक्सर को एक साथ मत घुमाइएगा, ऑन ऑफ करते हुए हम इसका पाउडर तैयार कर लेंगे और एक बार छलनी से छान के इसे बाउल में ले लेंगे। अगर हमने काजू को मिक्सर में एक साथ पीस लिया तो इसका पाउडर ना होते हुए उसका पेस्ट तैयार हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। आज हम चोकोलावा काजू मोदक बनाने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ आपको मिल्क कंपाउंड का पैकेट दिखा रही हूँ। मार्केट में ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसी तरीके से डार्क कंपाउंड का भी पैकेट आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम डार्क कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड दोनों को मिला के चोकोलावा बनाने वाले हैं। यहाँ मैंने एक बाउल में डार्क और मिल्क कंपाउंड दोनों को आधा आधा लेके इसका पाउडर बना के एक बाउल में निकाल के रख लिया है। पाउडर बनाने से ये मेल्ट होने में आसानी होगी। हमने जो काजू लिए हैं वो 200 ग्राम है। अगर इस बाउल के हिसाब से देखें तो वो 2 कटोरी आएगा, तो मैंने यहाँ शक्कर लेने के लिए उसी कटोरी का इस्तेमाल करते हुए 3/4 कटोरी मैंने यहाँ शक्कर ली है। शक्कर की मात्रा मैंने कम ली है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा शक्कर भी ले सकते हैं। काजू थोड़ा सा वैसे ही मीठा होता है, तो ये 75 ग्राम शक्कर एकदम सही मात्रा में होगी। अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल के इसे मेल्ट कर लेंगे। पानी आप ज़्यादा मत डालिए, शक्कर बस जितना डूबे उतना ही पानी डाल के आप शक्कर को अच्छी तरह मिला के इसकी चाशनी बना लेंगे। शक्कर की जो चाशनी हम बनाने वाले हैं वो बस यहाँ 1 तार की ही होगी। गैस का फ्लेम लो करके हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए चाशनी बना लेंगे। शक्कर की चाशनी तैयार हो गई है, हमें इतनी ही चाशनी पतली चाहिए थी। अब हम इसमें काजू का पाउडर मिला लेंगे। काजू का पाउडर हम एक साथ पूरा चाशनी में नहीं मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें 2 बार काजू पाउडर डाल के अच्छे से मिलाएंगे। मिलाते समय ध्यान रखें कि थोड़े से भी लम्स काजू में ना रहे। गैस की फ्लेम हम यहाँ लो करके इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि कढ़ाई में ना चिपके। हमें इसे थोड़ा गाढ़ा होने देना है। जब तक ये गाढ़ा ना हो तब तक हम इसे चलाते हुए पकाते रहेंगे। काजू का पेस्ट अच्छे से पक गया है, हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए है। अब हम इसे कंप्लीट ठंडा होने तक रखेंगे। ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। गैस का फ्लेम अभी हम इस समय बंद कर देंगे। आप चाहे तो इसे एक प्लेट में निकाल के रखिए या फिर कढ़ाई में ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ सकते हैं। काजू का पेस्ट अभी कंप्लीट ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं ये एकदम आटे जैसा दिख रहा है, हमें ऐसा ही चाहिए है। अभी हम मेल्टेड चॉकलेट बनाएंगे। के लिए मैंने एक बाउल में चॉकलेट कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड दोनों को आधा आधा करके बारीक पाउडर फॉर्म में ले लिया है और एक कटोरी में मैंने एकदम गर्म दूध रखा है। दूध अगर हम रूम टेम्परेचर वाला लेंगे तो उसमें चॉकलेट मिक्स नहीं होगा, तो आप इसे मिक्स करने के लिए डबल बॉयलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी इसमें 2 चम्मच दूध डाल के चॉकलेट को मिक्स कर लूँगी। चॉकलेट जो है हम यहाँ थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे, एकदम पतला हमें इसमें नहीं तैयार करना है। आज हम मोदक बनाने के लिए इस मोल्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये आपको ऑनलाइन स्टोर पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगी। इसमें एक छोटा सा हुक होता है, अगर आप इसको खोलोगे तो ये इजीली ओपन हो जाएगा और बंद करते समय भी हमें इसकी हुक लगा के इसको बंद कर देना है। इस मोल्ड में मोदक बहुत आसानी से बन जाते हैं और शेप भी उनका बहुत अच्छा आता है। मोदक बनाने के पहले हम इस सांचे को अंदर की साइड पे ऑयल से या फिर घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अगर आप ऑयल और घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ग्रीस करने से मोदक जो है वो बहुत अच्छे से शेप से निकल आते हैं। काजू के डो से मैंने यहाँ ओवल शेप का एक बॉल ले लिया है। ओवल शेप इसीलिए लिया है ताकि मोल्ड के अंदर ये आसानी से फिट हो जाएगा। अंगूठे की सहायता से प्रेस करते हुए हम इसे परफेक्ट शेप में लेके आएंगे।
अगर आपको लगता है कि काजू थोड़ा कम पड़ गया है तो आप बीच बीच में इसमें थोड़ा सा उसको फिल भी कर सकते हैं। अगर आप इस मोल्ड को देखोगे तो इसमें काजू अच्छे से परफेक्टली भरा गया है, बीच में हमने लावा भरने के लिए थोड़ा सा होल भी रखा है। मैं स्पून की सहायता से मेल्टेड चॉकलेट इसमें भर रही हूँ। अगर आपको नहीं जमेगा तो आप एक पाइपिंग बैग में भर के भी आप इसमें मेल्टेड चॉकलेट भर सकते हैं। मेल्टेड चॉकलेट बाहर ना निकले इसलिए हमें इसे कवर भी करना है। कवर करने के लिए मैंने काजू की छोटी सी पट्टी बनाई और लावा के ऊपर रख दी है, थोड़ा सा टाइट ही रखा है मोल्ड के अंदर। और जो थोड़ी सी जगह बची है उसमें भी हम काजू की पेस्ट अच्छे से फिल करके उसे बंद कर देंगे। बंद करते हुए हमें इसे एकदम टाइटली बंद करना है ताकि लावा ज़रा भी बाहर ना निकले। काजू का फिलिंग हमने लावा के साथ अच्छे से भर गया है। मोदक हमारा यहाँ तैयार हो गया है। अब वो हुक निकाल के मोदक को निकाल लेंगे। देखिए मोदक को हमने मोल्ड से निकाल लिया है, एकदम परफेक्ट बना है, शेप भी एकदम अच्छा लग रहा है, खाने में तो स्वादिष्ट है ही। अब इसी तरीके से हम सारे मोदक बना लेंगे।